प्रेस क्लब में हिंदू संघर्ष समिति व बांग्लादेश उद्वस्तु उन्नयन सांसद ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हो रहे अपमानजनक प्रदर्शनों से खासी नाराजगी जताई। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय विरोधी सुर पर खासी हैरानी जताई है। बांग्लादेशी विदेशी मंत्री द्वारा बड़े बेशर्मी से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को सिरे से नकारने पर भी काफी हैरान थे। नेताओं ने इसे एक सुर में बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया। इस मौके पर हिंदू संघर्ष समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण उपाध्याय ने कहा, मैं सबसे पहले तो वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज में मटुआ समुदाय के पवित्र मंदिर तुंगीपारा और ओरकांडी में बंग बंधु स्मारक गए। उनके तुंगीपुरा मंदिर जाने से वहां के उत्पीड़ित और त्रस्त हिंदुओं में एक आशा का संचार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वो द्विपक्षीय बातचीत में वहां के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हिंदुओं के जातीय नरसंहार पर अपनी बात रखें। भारत का बांग्लादेश के अभ्युदय और विकास में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। हमें वहां स्वस्थ लोकतंत्र व अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने होंगे, ताकि हमारा प्यारा पड़ोसी बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान न बन सके। इसके साथ ही वहां काफी देर तक नारेबाजी भी हुई। बता दें, इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजिका दीक्षा कौशिक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर जाने के समाचार से हर्षित हूं। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज में मटुआ समुदाय के पवित्र मंदिर तुंगीपारा और ओरकांडी में बंग बंधु स्मारक जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री का क्रांतिकारी कदम होगा। वहां का हिंदू समाज जो लगातार एक बर्बर और अमानवीय सांप्रदायिकता अत्याचार से पीड़ित है, प्रधानमंत्री के इस कदम से थोड़ी सी आशा मिलेगी। डूबते को कई बार तिनके का सहारा काफी होता है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहां कुछ लोगों ने उनके दौरे का विरोध शुरू किया, लेकिन बांग्लादेश के विदेशी मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने शनिवार को कहा, लोगों के एक समूह के इस विरोध से चिंतित होने की कोई बात नहीं। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। सीएए और एनआरसी को लेकर बांग्लादेश में विरोध होता रहा। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तर्क में अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कही थी। इसे लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा था, जो वे हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं वो गैर जरूरी है और झूठी है। पूरी दुनिया में ऐसे देश कम ही हैं जहां बांग्लादेश जैसा सांप्रदायिक सौहार्द है। हमारे यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं, हम सब बराबर हैं। एक पड़ोसी देश के नाते हमें उम्मीद है कि भारत कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे हमारा दोस्ताना खराब हो। ये मसला हमारे सामने हाल ही में आया, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद भारत के साथ ये मुद्दा उठाएंगे। মানুষের বাড়িতে নির্যাতন করা হয়েছে, তাদের বাড়ি ঘরদোর ভাঙচুর করা হয়েছে, মহিলাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবং এই যে বারবার করে বাংলাদেশের যারা হিন্দু সংখ্যালঘু, সেই সংখ্যালঘু আজকে দিনে কমতে কমতে যে জায়গায় এসেছে, তারপরেও এখানে সেই অর্থে কোনো রকমের কারোর কোনো আওয়াজ বা কোনো মিডিয়ার কাছ থেকে আমরা সেরকম কোনো সদর্থক কখনোই কিছু পাইনি। তার প্রতিবাদ করার জন্য এবং মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতার পরিবেশ জাগরণ করা দরকার আমাদের মনে হয়েছে, তার জন্য আজকে আমরা এখানে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য।